टुडे 21st हो गई है एंड हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर लिया हुआ है ऑलरेडी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने डिफाइन कर लिया था कि रहता है ये आपका बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, इमेजिन कर लीजिए। और लेट अस से दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक और आपका ऑब्जेक्ट किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ए पे है, ए पोजीशन पे विद आर एज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। टी टाइम के बाद आपका ऑब्जेक्ट पहुंच गया इस बी पॉइंट पे, राइट बेटे, और सेंटर पे एंगल बन गया थीटा। आपने डिफाइन करना था टर्म एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको बेटे आप थीटा से डिनोट करोगे। एसआई सिस्टम में हम इसे रेडियन में मेजर किया करते हैं, रेडियन इसका यूनिट है। कई बार हम इसको डिग्रीज में भी मेजर कर लेते हैं, आप जैसे मर्जी कर लो, डिग्री में कर लो, रेडियन में कर लो, एक ही बात है। अब आइए इसको डिफाइन करें बेटे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज बेटा डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस्ड बाय द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक एट द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कल बेटा, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप इसको थीटा से डिनोट कर सकते हो बेटा, और आप ये अच्छे से जानते हैं एंगल थीटा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल का डेफिनेशन आपको याद है कि भूल गए? बताइए बताइए बहन पुत्र, एंगल इज इक्वल टू व्हाट? हाँ? बैठो, मैं ये वाली डेफिनेशन नहीं कह रहा था। इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस हुआ करता है, शायद आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कहीं। ए से लेकर बी तक आर्क का लेंथ इतना हो गया, ये इतना हुआ ना, इसको एस बोल दें डिस्टेंस की टर्म्स में, तो डिवाइडेड बाय द रेडियस कर दोगे तो आपका अपने आप ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा या एंगल बन जाएगा, राइट? क्लियर? कुछ कहना चाहते हो आप, मुझे लग रहा है? हाँ हाँ नहीं कहना चाहते हो, समझ लग गया ना। इसके बाद बेटे आपके पास टर्म आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी, आइए उसको भी डिफाइन कर लें। एंगुलर वेलोसिटी इसको बेटे आप ओमेगा से डिनोट करते हो, दिस लेटर इज कॉल्ड ओमेगा। इसको ऐसे बोलते हैं, ऐसे लिखते नहीं है, ओमेगा याद रह जाएगा ना बेटा। और एंगुलर वेलोसिटी जो है इट इज बेटे डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा। आपके पास फिर बन गया थीटा अपॉन टी बन गया है ना,
इसके यूनिट्स आप में से कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या होने चाहिए फिर बेटा? डिग्री पर सेकंड या रेडियन पर सेकंड। बिल्कुल ठीक जी, अगर तो ये थीटा रेडियन में है तो ये आ जाएगा रेडियन पर सेकंड, और अगर आपने थीटा डिग्री में मेजर किया है तो इट विल बी डिग्री पर सेकंड। जैसे भी आपने मेजरमेंट ऑलरेडी कर रखा है आप उसी हिसाब से इसको देख सकते हैं, राइट। इसके बाद एक छोटी सी टर्म है एंगुलर एक्सेलरेशन, आइए उसको भी फिनिश कर लें पहले, देन वी विल बी लुकिंग फॉर सम अदर आइडिया आल्सो। एंगुलर एक्सेलरेशन, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट। ये आपका सर्कुलर ट्रैक वही जिसकी हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से आपने डिनोट किया इसको, अल्फा को आप ऐसे बोलते हो, ठीक है, ऐसे लिखते नहीं है, बोलते हैं, आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। एंगुलर एक्सेलरेशन बेटे जो है इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल ठीक, अल्फा आपका आ जाएगा ओमेगा अपॉन टी, और अगर आप यूनिट्स की बात करोगे तो क्या होने चाहिए? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या यस डिग्री पर सेकंड स्क्वायर। तो जो भी यूनिट्स आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो उसके हिसाब से ही आपके पास आ जाएंगे, राइट बेटा। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट बेटे कंसेप्ट आ जाता है, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी कैसे रिलेटेड है। आपको बुक पे नहीं मिलेगा, अगर आपने नोट किया हुआ है अच्छी बात है, नहीं किया तो अब कर लीजिएगा। सेकेंडली एक और कंसेप्ट है, दैट इज बेटा आपका डिग्री और रेडियन कैसे रिलेटेड है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर आपने ऑलरेडी नोट कर रखा है तो गुड, नहीं किया तो अब कर लीजिए। चलिए बेटे स्टार्ट करें। पहले डिग्री और रेडियन को रिलेट कर दूं, लिख लीजिए हेडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन बेटा, डिग्री एंड रेडियन। आपका कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट किया, उसने मूव करना, ऐसे मूव करते 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 पूरा सर्कुलर ट्रैक वो घुमा और वापस ए पे आ गया, ठीक है। एंगल सेंटर पे कितना ट्रेस किया उसने, ये पॉइंट आपका फिक्स्ड है, ये नहीं मूव कर रहा, ये पॉइंट ऐसे घूमकर वापस ए पे आ गया, ये एंगल कितना बन गया, इट इज 360 डिग्रीज। बिल्कुल ठीक, और साथ ही साथ अगर मैं एंगल को डिफाइन करना चाहूं, इट इज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस हुआ करता है। आपका ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, पूरा चक्कर काट के फिर ए पे आ गया वापस, तो आर्क का लेंथ कितना हुआ, इट इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वो कितना होता है 2πr। अश्मित अपना माइक बंद करो बेटा, अश्मित नागपाल रोल नंबर 7। एंगल थीटा आर्क का लेंथ आपके पास आ गया जी 2πr,
रेडियस को आपने ऑलरेडी आर बोला हुआ है, ये आपका रेडियन में आएगा, ठीक है जी। अब आपके पास एक एंगल ये पड़ा है, एक ये भी पड़ा है, राइट। कंपेयर कर दें दोनों को, लेफ्ट हैंड साइड इनका दोनों का सेम है, वी कैन कंपेयर द राइट हैंड साइड आल्सो, है ना। आपके पास आएगा 2πr/r, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, इतने रेडियन। मैं दोबारा ही लिख देता हूं, दिस इज 2πr/r रेडियन, 360 डिग्री के बराबर हुआ, r से r कट जाएगा और आपके पास 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 1 रेडियन कितना हुआ देन 360/2π डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन 360/2 × 22/7 डिग्री, कैलकुलेशन करोगे छोटी सी, देखो करके फिर बेटे करने, बी क्विक, इसको देखो कितना आता है, मेक कैलकुलेशन ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन। पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, पुट करके देखो क्या आता है, 640 by 11, नहीं इसको पूरा कैलकुलेट करो बेटे, पॉइंट्स में देखो कितना आता है रिजल्ट आपका, डिवाइड करके देख लो, राइट। सारे बच्चे करेंगे, कोई बैठेगा नहीं फ्री, (57.2 / 3) 2 आ रहा है, 2 आना नहीं चाहिए था, 3 या 4 होना चाहिए था। सेकंड डिजिट क्या आ रहा है, वो 7 को छोड़ दो, फिर अपने आप 3 हो गया ना। सो आपके पास आ गया 1 रेडियन, दिस इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, कर दो, कभी भूलोगे तो नहीं इस चीज को। अब दिस इज ऑल योर डिग्री एंड रेडियन आर रिलेटेड, हाँ आप 2 7 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ क्या किया है, इसको हटाओ पहले, हाँ जी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू ही है। एक मिनट ध्यान दो सारे बच्चे इधर, 57.27 आपने निकाला है। एक बात मेरी याद रखिएगा हमेशा फिजिक्स में, अगर आप ये वाला डिजिट छोड़ देना चाहते हैं, इसको मैं चाहता हूं कि ना लिखूं दूसरी प्लेस तक, अगर ये नंबर 5 से बड़ा हो तो पहले वाला डिजिट एक बड़ा कर देते हैं, अगर ये 5 से छोटा हो तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये 5 से छोटा है कि बड़ा, तो इसको क्या करेंगे, दिस इज द राइट। चले आगे, अब क्लियर टू ऑल, अरे माइनस नहीं होना, फिर ऐसे ही रहने देना है, तो फिर जो है वो ही रहने देना है, फिर नहीं चेंज नहीं करना मतलब। चले आगे, क्लियर है ये, सच में ऐसे तो नहीं कह रहे, ओके देन। चलिए बेटे, इसके बाद आपके पास है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा और वी कैसे रिलेटेड हैं। हेडिंग लिख लिए, रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड ओमेगा, रिलेशनशिप
बिटवीन बी एंड ओमेगा परिसर। आप अभी अभी कर रहे थे ओमेगा कर रहे थे ना, किसके बराबर लिखा था आपने ओमेगा को, इसको इक्वेशन नंबर वन कह दूं, राइट। आप लोगों ने एक और छोटी सी बात की थी, एंगल थीटा इज इक्वल टू, अरे नहीं, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस कहा था। मान लीजिए आपको ऑब्जेक्ट ए से शुरू हुआ और बी पे आके खत्म नहीं, रुक गया, खत्म नहीं हुआ, पार्टिकल है, रुक गया बी पे आके। ए से लेकर बी तक डिस्टेंस को आपने कितना बोला हुआ है, एस, मतलब आपके आर्क की लेंथ एस हो गई। ए से लेकर बी तक टाइम कितना लगा ऑब्जेक्ट को, टी सेकेंड्स, राइट। तो क्या बच्चों मैं ऐसे लिख दूं, अगर रेडियस आपका स्मॉल आर है, सॉरी, ऐसे पॉसिबिलिटी है, लिख सकते हैं रेडियस आपका आर है और राइट, कोई चीज मुश्किल तो नहीं लग रही। थीटा की वैल्यू टू से वन में पुट कर दें, आइए देखें, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम टू इन वन। ओमेगा कितना हुआ आपका, थीटा की जगह पे मैं एस बाई आर लिख दूं, टी तो ऐसे ही रह जाएगा। अरे ऐसा है बच्चों, yes, सच में, yes, क्यों मिलन, पक्की बात है। चलिए देन, ओमेगा फिर आपके पास बन गया। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन कहीं आपको देखा देखा नहीं लगता, यस, दिस इज इक्वल टू द स्पीड, राइट। सो ओमेगा बन गया वन अपॉन आर इंटू वी कर दूं, आर को ओमेगा के साथ एडजस्ट करने पे वी विल गेट दैट वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, राइट। कोई चीज मुश्किल तो नहीं लग रही इसमें, राइट। चलें आगे, आइए बेटे आगे, इसके बाद दो न्यूमेरिकल करने हैं, पहले मैंने अपनी तरफ से करवाने हैं आपको, फिर आगे चलेंगे। दोबारा बोलिए, हाँ हाँ, जीरो, देखो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहां से शुरू हुआ पार्टिकल पूरा चक्कर कंप्लीट करके वहीं पे आ गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन सेम हो गया, जीरो आ गया, डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, 2 pi r के बराबर, डिस्टेंस विल नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट विल बी डेफिनेटली जीरो, राइट। एक न्यूमेरिकल लिखिए बेटा, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट्स एंड ऑफ ए क्लॉक, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट्स एंड ऑफ ए क्लॉक, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट्स एंड ऑफ ए क्लॉक, मिनट्स एंड की एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालनी है, क्लॉक का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 pi/T, ऐसे ही होता है ना, रेडियन पर सेकंड होता है कि नहीं, चेक कर लीजिएगा,
ऐसे ही होता है। मिनट सेकंड को कितना टाइम लगता है पूरा सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करने के लिए? 60 मिनट्स। इसका मतलब है टाइम पीरियड आपके पास बन गया 60 मिनट्स का। आप 60 मिनट के सेकंड बना लो, सेकंड्स बन गए, इसमें पुट कर दें, ओमेगा आ गया 2π/3600 रेडियन पर सेकंड। ये बन गया π/1800 रेडियन पर सेकंड। चेक करिए ऐसा है। अब फटाफट आर्स हैं कि आप निकाल दो एंगुलर वेलोसिटी, आवर्स हैंड का जल्दी से ओमेगा निकाल दीजिए। हाँ मैक्स वाला, हाँ जी बेटे, लिख सकते हो आप कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर्स हैंड ऑफ ए क्लॉक। आप लोग निकालेंगे जल्दी से, टेक्निक सेम, सिर्फ टी बदल जाएगा, बाकी सारा सेम। टी कितना होगा? 2, 4, 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
12 आवर्स को ऐसे लिख लो, 12 इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, पहले कटिंग कर लेना बाद में प्रोडक्ट करना, ये कह रहा हूँ। जो फैक्टर्स की कटिंग हो रही है ना वो पहले कर लीजिए फिर मल्टीप्लाई करिएगा। यही कटेगा, टू ही कटेगा और तो कुछ कटेगा ही। ये आ जाएगा सिक्स आपका, कितना बना, इतना ही आता है कि मैंने गलत लिख दिया, चेक करिए। चेक करना जरा, इतना ही आ रहा है कि कोई और आ रहा है आपका आंसर? सेम है। और फिर सेकेंड हैंड रह गया, उसका भी निकाल दो, उसको क्यों रखना आपने। How will you calculate the velocity, angular velocity of the seconds hand of a clock? इसके लिए ओमेगा निकालना है, तो how you can calculate? तरीका सेम, सिर्फ टी बदलेगा बेटा, और कोई चेंज नहीं आएगी, टी में ही बदल चेंज आएगा और तो सारा सेम ही है बेटा। क्विकली करके देख लीजिए, टी कितना होगा सेकंड सेकंड के लिए, टाइम पीरियड सेकेंड सेकंड कितना टाइम लेती है एक पूरा चक्कर? 60 सेकंड्स, गुड। इसमें सेकंड्स तो ऑलरेडी सेकंड्स में ही है। हाँ जी, पाई अपॉन ये था ना, ये आ गया। अब आपके न्यूमेरिकल जो आप कह रहे थे वो बताइए, मैं करवा देता हूँ। मैंने जो करवाना था करवा दिया, आप कुछ कह रहे थे ना न्यूमेरिकल हमने करने हैं, बताइए बेटे कौन से हैं। हाँ जी, हाँ, अच्छा आपके पास है तो बताओ कौन सा न्यूमेरिकल करवाना आपको। कुछ आपके पास कोई बुक नहीं है?
कोई बात नहीं, निकाल दो, कोई है निकाल दो बेटा, नो प्रॉब्लम। निकालो चैप्टर बेटा। बेटे बुक्स ज्यादा पढ़ना बहुत अच्छा हैबिट होता है, उसके पास कोई और बुक है इसको देख के घबराइए मत। यू कैन ऑल्सो चूज वन गुड बुक, जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। पढ़ना कभी भी बुरा नहीं होता। हाँ जी बेटे, देखो न्यूमेरिकल कौन सा नहीं पता चला बताइए मुझे, मैं सॉल्व कर दूं। अगर कोई नहीं देखा तो वैसे ही बोल दो कोई। लाइए मैं ही करवा देता हूँ, देखिए आपको। ओके बेटा, थैंक यू। चलिए एक छोटा सा करते हैं। एन एथलीट, एन सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं है। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायामीटर 200 मीटर। डायामीटर 200 मीटर दिया गया है आपको इन 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स में एक सर्कुलर ट्रैक का पूरा चक्कर लगा लेता है कोई एथलीट। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट? पहले तो आपको डिस्टेंस निकालना है, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। कब निकालना है? एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। 2 मिनट और 20 सेकेंड्स के बाद आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों निकालने हैं। एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड? हाँ जी, टाइम को सेकेंड्स में पहले कन्वर्ट कर लें। वेरी राइट, ये बन गया 2 × 60 + 20, ये 120 + 20 एन अदर एंड 140 सेकेंड बन गए। अब बच्चों क्या करें, पहले मुझे सर्कुलर ट्रैक भी ड्रॉ करने दीजिए, एक मिनट वेट कर लीजिएगा। ये आपका सर्कुलर ट्रैक, सेंटर, यहां से एथलीट भागा, दौड़ लगाई उसने, और 200 मीटर इसका डायमीटर है, तो ये 100 मीटर रह जाएगा रेडियस। हाँ ओके, देन इसको वापस ए तक आने के लिए 40 सेकेंड्स का टाइम लग गया, लेकिन वो एथलीट 140 सेकेंड्स के लिए दौड़ रहा है। बिल्कुल ठीक, नंबर ऑफ राउंड्स 140/40 कर दें, जीरो तो सीधी कट गई आपकी। 7/2 कितना होता है? 3.5 का क्या मतलब है? 3 चक्कर पूरे, 1 चक्कर आधा, इसका मतलब है। ये देखिएगा, ये हो गया 1, ठीक, चले मिले ना आगे, ये 2, चले कि रुके, ये 3, और आधा कहाँ आएगा? यहां आ जाएगा, ठीक। अब उन्होंने कहा कि आप डिस्टेंस कवर्ड निकालिए पहले। एक सर्कुलर ट्रैक में डिस्टेंस कवर्ड होता है 2πr के बराबर, तो डिस्टेंस कवर्ड फिर कितना हो जाएगा बेटा? 2πr × 3.5 चक्कर लगाए उसने, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये 7πr आ जाएगा ना। ये आ गया 7π होता है, 3.14 भी होता है, आर कितना है?
इतना नहीं आया, ये नहीं आ रहा, ठीक है बेटे ठीक है। हाँ जी नहीं इतना आ रहा है। अच्छा आप 22/7 ले रहे हो, नो प्रॉब्लम बेटे, कोई बात नहीं, एक ही चीज है। ओके 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 राइट राइट ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर यहां तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है आपका डिस्प्लेसमेंट बेटे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हुआ करता है ना। तो फिर डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो है ये बन गई एक आर, ये एक आर, ये टू आर, और टू आर को आप डायमीटर भी बोलते हो, तो डायमीटर तो आपको ऑलरेडी दिया ही हुआ है, इट इज 200 मीटर राइट बेटा। इस टाइप के और न्यूमेरिकल भी जरूर देखिएगा। अच्छा एक बात और बेटा, अगर वो कहां यहां पे ये भी दे देते कि आप स्पीड निकाल के बताइए और वेलोसिटी भी निकाल के बताइए, तो क्या करना था हमने, डिस्टेंस आपके पास आ गया, इसको टाइम से डिवाइड कर दो, वेलोसिटी आपके पास आ गई, टाइम फिर वही उससे डिवाइड कर दो, दोनों चीजें आ जाएंगी बेटा, तो ये आपको आना चाहिए। थैंक यू ऑल बेटा।